माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको दशमलव के वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, जो कि मैंने पहली वीडियो में बिना दशमलव के वर्गमूल निकालना सिखाया था। जैसे 11.56 का वर्गमूल निकालना है, इसमें भी उसी तरह पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाएंगे, एक पेयर तो ये बन गया हमारा, और एक पेयर बन गया ये, तो दो पेयर बन गए। अब इसी तरह लेंगे इसमें, जैसे ये कितना हमारा 11। कुछ ऐसा वर्गमूल लो जो कि कभी 11 से ज्यादा न हो लेकिन कम रह जाए, तो 3 * 9, 4 * 16, लेकिन 4 * 16 हो जाएगा ज्यादा, तो 3 * 9 ले लेंगे। तो 3 * 9 ले लिया, अब यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 3 * 2 करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 * 2 कितना होता है, 6। अब क्या करेंगे, पेयर उतारेंगे, लेकिन पेयर उतारने से पहले ये देखो दशमलव लग रहा है ना हमारा, तो यहाँ पे भी क्या लगा लेंगे हम दशमलव। तो पेयर उतारेंगे, तो पेयर कितना 5 6 है ना। आपको ये तो पता होगा कि दशमलव के बाद जो भी अंक लिखा जाता है वो हमारा एक एक डिजिट करके पढ़ा जाता है। जैसे 11.56 न पढ़ के इसको हम 5 6 पढ़ेंगे, तो क्या उतार लिया, ये पेयर भी उतार लिया हमने। अब दूना, अब कुछ ऐसी संख्या लो जो कि डिवाइड करने से इसका इनटू इसमें करेंगे, तो जैसे कि ले लिया हमने 4, ले लिया 4 और यहाँ पे भी 4 लिख दिया, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में करेंगे तो ये आना चाहिए हमारा। तो 4 * 16 हासिल का 1, 4 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 4 * 6 = 24 और 1 = 25, तो ये पूरा के पूरा इसमें चला गया। तो इसका मतलब 256 में से 256 गए तो कितना बचा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब इसका कितना आंसर हो गया हमारा 3.4। अब दूसरा सवाल मैं आपको अंडर रूट 8 का बताऊंगा। अब जब से तो मैं जो कंप्लीट स्क्वायर रूट थे वो बता रहा था, लेकिन अब बताऊंगा मैं दशमलव वाले। जैसे कि ये 8 है हमारा, कितना है 8 है, 8 तो किसी का होता नहीं है कंप्लीट स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल तो किसी का 8 होता नहीं है। तो इसमें दशमलव का बताऊंगा मैं, वो भी दशमलव कितने अंक तक, 2 अंक तक या 3 अंक तक, तो 2 अंक तक बताऊंगा मैं। तो इसमें पेयर कैसे बनाते हैं देखो, अब 2 अंक तक की बात कर रहे हैं हम, और ये कितना है, ओनली 1 डिजिट है, तो वो कैसे देखेंगे। पेयर बना लीजिए दशमलव लगा के, एक पेयर ये बन गया, अब एक पेयर ये बन गया। अब हमने ये 0 क्यों बनाई है, ये हमने 0 इसलिए बनाई है क्योंकि दशमलव लगा के कोई अंक नहीं है हमारा, तो हम 0 तो लिख सकते हैं ना, ये तो फ्री है, लिख लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा सिंगल डिजिट बच रहा है, तो ये सिंगल डिजिट बच रहा है, तो इसका क्या करेंगे, तो ये जी इसका वर्गमूल लेंगे, तो 8 है, 8 का वर्गमूल लेंगे, लेकिन ये 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 * 9, लेकिन 9 तो ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम कितना लेंगे, 2 * 4। अब कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इसका दूना करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन अब इसके बाद क्या करेंगे, अब तो हमारे पास 0 0 ही है, तो 0 0 उतार लेंगे, मतलब एक पेयर उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब ऐसा कोई दशमलव भी तो लगाना है भाई, अब इसके बाद दशमलव भी तो लगेगा, अब ऐसा कोई डिजिट लेंगे हम जो के मल्टीप्लीकेशन करने से इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो 8 ले लिया, 8 का इसमें करेंगे तो 8 * 2 = 64 होता है, हासिल की 6, 8 * 32 में करेंगे तो 8 * 32, 32 * 6 कितना होता है, 38। अब कितना बचेगा, 6 यहाँ पे बच गया और 1 यहाँ पे बच गया। अब फिर से पेयर उतारेंगे, लेकिन पेयर उतारने से पहले ये कितना हमारा 2.8 का दूना करेंगे तो कितना होता है 5.6, लेकिन पॉइंट नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेयर उतारेंगे। अब पेयर उतारने के बाद अब कुछ ऐसा देखेंगे कि वो डिजिट यहाँ पे भी लिख गया है और यहाँ पे भी लिख गया है, लेकिन जैसे 2 लिख लिया हमने, 3 लिखेंगे तो 5 * 15 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो करना ही होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे और एक यहाँ से कैरी आ जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 * 2 = 4, फिर इसमें करेंगे तो 12, हासिल 1, 10 और 1 = 11। अब कितना से बचेगा, 6, यहाँ पे कितना बच गया, 7, यहाँ पे कितना बच गया, 4। अब मैंने 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट की बात की ना, तो दशमलव के बाद कितना डिजिट बन गए, 2, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2.8। अब मैं आपको अगला वर्गमूल 15 का बताऊंगा, वर्गमूल 15 को कैसे
सॉल्व करेंगे, जैसे वर्गमूल 8 को किया था ना, उसी प्रकार से वर्गमूल 15 को करेंगे। जैसा कि अब इसी इसमें भी दशमलव लगा लेंगे। हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको, इसमें भी दो डिजिट निकालना है, दशमलव के बाद कितने डिजिट, दो डिजिट, मतलब दशमलव के बाद दो अंक तक निकालना है। तो देख लीजिए, दो अंक तक निकालना है, दशमलव के बाद दो पेयर बनाने पड़ेंगे। एक पेयर ये बन गया हमारा और एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर तो यही है ही हमारा। तो अब क्या करेंगे, 15 को देखेंगे पहले, तो 15 को देखेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो 4 का तो 16 होता है, लेकिन 3 का कितना होता है, 9, 4 का ज़्यादा हो जाएगा तो 3 का ही ले लेंगे। 3 का लेने के बाद 3 का 9 होता है, कितना बचेगा, 6, स्क्वायर रूट लगा लिया। अब क्या करेंगे, पेयर उतारते हैं ना, पेयर उतार लिया, लेकिन पेयर उतारने से पहले दशमलव यहाँ पे भी लगेगा। अब इसका दूना कितना होगा, 6। अब कुछ ऐसा नंबर लेंगे हम जो कि यहाँ पे भी रखें, यहाँ पे भी लिखने पर और यहाँ पे भी लिखने पर 600 से ज़्यादा न हो लेकिन कम रह जाए, तो कितना ले लेंगे हम, 8 लेंगे, कितना, 8। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 64 होता है, 8 × 8 करेंगे तो, और 8 × 6 करेंगे तो 48 और 6 कितना होगा हमारा, 54। अब कितना बचेगा, ये 6, यहाँ पर कितना बचेगा, 5। अब क्या करेंगे, अब फिर से पेयर तो उतार लेंगे, पेयर उतार लिया हमने, अब ये कितना है, 3.8, मतलब 3.8। अब इसको दूना करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, लेकिन इसको हम लगाते नहीं हैं। अब क्या करेंगे, अब कुछ ऐसा डिजिट लो कि यहाँ पे भी लिखने पर यहाँ पे भी लिखने, इससे ज़्यादा ना हो, तो कितना लेंगे, देख लीजिए, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 6। तो 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, 6 × 6 = 36, इसका करेंगे 36 और 3 = 39, और 6 × 6 = 42, 42 और 3 = 45 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, 4 0, यहाँ पे भी कितना बचेगा, 0, यहाँ पर 1, इतना शेष आया। तो इसका मतलब 15 का कितना होगा, 3.86। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।